सो हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रीवास्तव एमबीबीएस सेकंड प्रोफेसर स्टूडेंट फ्रॉम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, एज यू ऑल नो कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पे तो भाई अभी तक यही चल रहा है कि कमिंग सून एंड आई डोंट नो कि कब उनका सून आएगा फाइनली, ठीक है। सो उसी बीच क्या नाम है, पंजाब और गुजरात ने स्टेट कोटा काउंसलिंग्स की नोटिस निकाल दी, रजिस्ट्रेशन वहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप गुजरात और पंजाब से हो तो प्लीज़ अपने अपने स्टेट कोटा की साइट्स आप चेक कर सकते हो। साइट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर रखी है, तो आप वहाँ पे चेक कर लो। चॉइस फिलिंग ऑर्डर जो क्या होने वाला है, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि भैया क्या रखना चाहिए। देखो, चॉइस फिलिंग ऑर्डर बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। लाइक आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर और मेरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। कुछ के फैक्टर्स होते हैं, सपोज मैं अपनी सिटी में कॉलेज लेना चाहता हूँ, सपोज मैं अपने घर के पास का कॉलेज लेना चाहता हूँ, तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर प्रियोरिटी ऑर्डर लोगों के चेंज होते हैं, ठीक है। मगर स्टिल मैं आपको एक हायरार्की बताऊंगा कि जो कट ऑफ जाता है, जो रैंक्स के कट ऑफ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर रैंक पे कॉलेज एंड हुआ है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या जो प्रियोरिटी बनेगी उसको अपन आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा और बाकी भी नीट्स रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगी आपको सब इस चैनल पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आते हैं भाई, सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में तीन ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। देखो यार, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या प्रियोरिटी बननी चाहिए इसमें। पहले आप जीएमसी पटियाला रखोगे, देन आप जीएमसी अमृतसर रखोगे, देन आप जीएमसी फरीदकोट रखोगे। अच्छा हाँ, नाम फरीदकोट का कुछ और बड़ा सा था, ठीक है, मैंने जीएमसी कर दिया, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, ठीक है। ये हो गया पंजाब के प्रियोरिटी ऑर्डर। गुजरात में आपके 8 मेडिकल कॉलेजेस नहीं, 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट। तो पहले पे आप रखोगे भाई, अब सबको पता है फेमस बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, फिर सेकंड पे जीएमसी बड़ौदा, तीसरे पे जीएमसी सूरत, चौथे पे जीएमसी राजकोट, पांचवे पे जीएमसी जामनगर, छठवे पे जीएमसी भावनगर एंड सातवें पे जीएमसी सिलवासा। अब अगेन मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सबका नाम जीएमसी कर दिया है, किसी का नाम कुछ था, किसी का नाम नमो इंस्टीट्यूट था, तो किसी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय था, तो मैंने जीएमसी और सिटी आपको उस चीज़ की बता दी है, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीज़ें आपको, कौन सा क्या प्रियोरिटी ऑर्डर फिल करना चाहिए अगर आपको हायरार्की फॉलो करती है करना है आपको, मतलब ये नहीं देखना है कि आपके घर के पास क्या है या क्या है, कौन सा बेटर है, ठीक है, उस हिसाब से आप ये फिल कर सकते हो। बाकी कोई भी अपडेट्स होगी नीट्स रिलेटेड तो वो तो यहाँ मिलेगी इस चैनल पे आपको। एनीवेज, तुम लोग में से जो भी यार 2022 या 2023 की प्रिपरेशंस कर रहे हो नीट की, यार तुम लोग के लिए अनअकैडमी कॉम्बैटिक टेस्ट होता है हर संडे को, तो आपको पता भी होगा 11 बजे होता है, 45 मिनट का होता है, आप 11th क्लास में हो, क्लास 12th में हो या 13th में हो, 13 मतलब आप ड्रॉपर हो जाए, ठीक है, आप सब लोग दे सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कल भी है, कल संडे है, कल भी है, ये 11 बजे से है, ठीक है। अगर आप टॉप 3 में रैंक लाओगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, तो भाई देने में क्या बुराई है, कोई आपको पैसा तो लगना नहीं है। तो भाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हो 2022 और 2023 वाले, सब लोग देना, एक बार कंपटीशन फेस कर लो कि हाँ यार यहाँ पे भी कैसा कॉम्पिटिशन है, ठीक है, 45 मिनट का है सिर्फ, ठीक है। तो चलो चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।